हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं IQOO की तरफ से इंडिया में लॉन्च होने वाले नए स्मार्टफोन्स के बारे में। मल्टीपल नए स्मार्टफोन्स IQOO की तरफ से आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। IQOO की जो Z5 सीरीज है 23 सितंबर 2021 को चाइना में लॉन्च की जा रही है एंड उसके थोड़े ही टाइम बाद, मतलब बहुत ही जल्दी आपको इंडिया में भी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि इस फोन से, इस सीरीज से जुड़ा जो लैंडिंग पेज है वो Amazon इंडिया की वेबसाइट पर ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है। धीरे धीरे वहां पर स्पेसिफिकेशंस ओपन कर दी जाएंगी, लेकिन IQOO Z5 सीरीज से जुड़ी मेजर स्पेसिफिकेशंस ऑलरेडी लीक हो चुकी है, IQOO की तरफ से ऑफिशियली लीक करी गई है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं IQOO Z5 सीरीज से जुड़ी सारी चीजों के बारे में। क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलने वाले हैं, क्या कुछ फीचर्स मिलने वाले हैं, किस प्राइस पॉइंट पर यह सीरीज आपको इंडिया में देखने के लिए मिल सकती है, दोनों फोन ओवरऑल कैसे रहने वाले हैं, ज्यादा डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाला है, तो कैसे रहेंगे दोनों फोन, सारी चीज डिस्कस करेंगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं। लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 400 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं भाई बातचीत को, और सबसे पहले हम बात करेंगे IQOO Z5 के बारे में। स्टार्ट करते हैं बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन से। तो बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक रहेगी, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम, फ्रंट में आपको ग्लास प्रोटेक्शन मिलेगा, पॉसिबली शॉर्ट सेंसेशन ग्लास का प्रोटेक्शन यहां पर आपको मिल सकता है। तो बिल्ड क्वालिटी IQOO Z3 में आपको जैसी मिला करती थी, वैसी ही बिल्ड क्वालिटी आपको IQOO Z5 के अंदर देखने के लिए मिलेगी। एंड डिजाइन की अगर बात करें तो भाई कोई रेंडर्स वगैरह अभी तक निकल करके नहीं आए हैं, लेकिन वही टॉप लेफ्ट में आपको रेक्टेंगल शेप कैमरा सेटअप मिलेगा, जहां पर 3 कैमरा की हाउसिंग रहेगी, LED फ्लैश रहेगा, IQOO की ब्रांडिंग पीछे की तरफ मिलेगी। फ्रंट में इस बार आपको वाटर ड्रॉप नॉच नहीं मिलने वाली है, इस बार आपको सेंटर पंच होल देखने के लिए मिलेगा, पतले पतले से बेजल्स रहेंगे, हल्की सी चेन आपको देखने के लिए मिलेगी, 2-3 अलग अलग कलर्स में आपको फोन देखने के लिए मिलेगा। सो यस, IQOO Z5 की जो बिल्ड क्वालिटी है वो प्लास्टिक रहने वाली है। डिस्प्ले की अगर बात करें, IQOO Z5 के अंदर आपको 6.57 या 6.58 इंचेस का डिस्प्ले देखने के लिए मिल सकता है। फुल HD प्लस का आपको रिजोल्यूशन मिलेगा, जैसे मैंने आपको बोला सेंटर पंच होल वाला डिस्प्ले रहेगा, लेकिन IQOO Z5 के अंदर आपको IPS LCD पैनल मिलेगा। AMOLED पैनल आपको IQOO Z5 में नहीं मिलेगा, IQOO Z5 Pro में आपको AMOLED पैनल मिल सकता है, लेकिन IQOO Z5 में आपको 6.58 इंचेस का फुल HD प्लस रिजोल्यूशन वाला IPS LCD पैनल देखने के लिए मिलेगा। 20:9 का एस्पेक्ट रेशो, 395 PPI के आसपास आपको पिक्सल डेंसिटी मिलेगी, सो कंटेंट वॉचिंग के लिए बढ़िया रहने वाला है। HDR10 का सर्टिफिकेशन रहेगा, वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो जो डिस्प्ले है वो कंटेंट वॉचिंग के लिए काफी बढ़िया रहने वाला है। एंड गेमिंग ग्राफिक्स की अगर बात करें तो यहां पर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलने वाला है, साथ ही में 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी रहेगा। सो यस, डिस्प्ले क्वालिटी बढ़िया है। IQOO Z3 का भी जो डिस्प्ले था, अगर IPS डिस्प्ले में कंपेयर करें तो IQOO Z3 का डिस्प्ले बेस्ट IPS पैनल वाला था, जो आपको 20,000 के अंदर मिलता है। सो यस, डिस्प्ले में आपको ज्यादा शिकायत नहीं आने वाली है। हाँ, AMOLED अगर आपको लेना है तो आपको IQOO Z5 Pro परचेस करना पड़ेगा, यहां पर आपको IPS LCD से काम चलाना पड़ेगा। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो इस फोन के अंदर, दोनों ही फोन के अंदर, IQOO Z5 और Z5 Pro दोनों में आपको Qualcomm Snapdragon 778G चिपसेट देखने के लिए मिलेगा। बहुत पॉपुलर चिपसेट है, आई नो यू नो वी ऑल नो। 6 नैनोमीटर पर बना हुआ चिपसेट है, तो एनर्जी एफिशिएंसी बढ़िया रहती है, हीटिंग का इशू आपको काफी कम मिलता है। 2.4 GHz की आपको पीक क्लॉक स्पीड मिलती है, क्रायो 670 वाले कोर्स मिलते हैं, और 670 जो कोर्स हैं A78 और A55 से मिलकर बने होते हैं, तो CPU परफॉर्मेंस, डे टू डे परफॉर्मेंस मक्खन आपको मिलेगी। गेमिंग ग्राफिक्स को संभालने के लिए Adreno 642L GPU मिलता है, जो कि बढ़िया तरीके से गेमिंग संभाल लेता है। ओवरऑल स्टेबल परफॉर्मेंस आपको मिलती है, वीडियो एडिटिंग, रेंडरिंग वगैरह भी काफी अच्छे से हो जाती है, तो परफॉर्मेंस में आपको ज्यादा शिकायत नहीं आने वाली। और सबसे अच्छी बात, LPDDR5 RAM आपको मिलेगी दोनों वेरिएंट्स के साथ में, एंड UFS 3.1 वाला स्टोरेज मिलेगा। सो यस, परफॉर्मेंस में आपको कहीं से कहीं तक कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है, एंड दोनों फोन की परफॉर्मेंस आपको सेम मिलने वाली है, परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है। कैमरास की अगर बात करें तो कैमरा सेटअप भी प्रोबेबली आपको दोनों स्मार्टफोन्स में एक जैसा देखने के लिए मिल सकता है। 3 कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ, जहां पर प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल्स का रहेगा, साथ ही में 8 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस आपको मिल सकता है, एंड 2 मेगापिक्सल का यहां पर आपको मैक्रो कैमरा मिल सकता है। 3 कैमरास पीछे की तरफ रहेंगे, 4K वीडियो आप रिकॉर्ड कर पाएंगे 60fps पर। एंड फ्रंट में अगर बात करें तो 16 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा यहां पर आपको मिल सकता है, एंड सेल्फी कैमरा से 1080pixels में आप वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30fps पर। कैमरा सेटअप दोनों फोन में ऑलमोस्ट एक जैसा हो सकता है भाई,
ये हो सकता है कि IQOO Z5 Pro में आपको जो सेल्फी कैमरा है वो थोड़ा सा और बेटर देखने के लिए मिले। आई थिंक 32 मेगापिक्सल का मिल सकता है, लेकिन अभी तक इस चीज पर बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकल करके नहीं आई है। सो यस, कैमरा मॉड्यूल अच्छा मिलने वाला है, कैमरा आउटपुट, कैमरा ऑप्टिमाइजेशन अच्छा रहता है IQOO का, कैमरा मॉड्यूल से आपको कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है। बैटरी की अगर बात करें, कंफर्म हो चुका है कि इन फोन्स के अंदर 5000 एमएएच की आपको बैटरी मिलेगी। दोनों फोन्स के अंदर 5000 एमएएच की बैटरी रहेगी। पिछली बार IQOO Z3 में आपको 55 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट मिला था, इस बार थोड़ा सा कम मिलेगा, 44 वॉट की चार्जिंग का फोन मिलेगा, 44 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा। बैटरी का साइज अच्छा है, फास्ट चार्जिंग आपको अच्छी मिल जाती है, बैकअप अच्छा मिल जाएगा, 6 नैनोमीटर का चिपसेट है, तो एनर्जी एफिशिएंसी मतलब बैटरी बैकअप जो है और ज्यादा आपको बेटर मिल सकता है। सो यस, बैटरी मॉड्यूल में आपको कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है। चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट मिलेगा, हमारा प्यारा दुलारा 3.5 mm का खड्डा, 3.5 mm जैक IQOO Z5 के अंदर तो डेफिनेटली मिलेगा। अब IQOO Z5 Pro के अंदर मिलता है या नहीं मिलता है, इस चीज को लेकर के थोड़ा सा संशय है। सो यस, IQOO Z5 के अंदर तो आपको डेफिनेटली 3.5 mm जैक मिलने वाला है। उसके बाद में अगर बात करें सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड सेंसर्स की, तो IQOO Z5 के अंदर आपको मिलेगा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, IQOO Z5 Pro के अंदर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने के लिए मिल सकता है। दोनों फोन के साथ में आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाएगा, छुटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर मिल जाएंगे, सेंसर में कोई कमी नहीं आने वाली है। दोनों ही फोन आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलेंगे एंड्रॉइड 11 के ऊपर, उसी के साथ में चाइना में ओरिजिन ओएस मिलेगा, इंडिया में आपको फंटा चॉइस 11 मिलेगा। फंटा चॉइस 11 बढ़िया है, कोई शिकायत आपको नहीं आएगी, क्लीन हो गया है, ब्लोटवेयर्स रहते हैं लेकिन आप उनको इंस्टॉल कर सकते हो, थोड़े बहुत एड्स वगैरह आते हैं, नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं लेकिन उनको बंद किया जा सकता है। सो यस, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहने वाला है, उसमें आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। दोनों फोन के साथ में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलेंगे, ये काफी अच्छी बात है, ऑडियो एक्सपीरियंस आपका बढ़िया रहने वाला है। एंड दोनों फोन के साथ में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने के लिए मिलेगा, मतलब एक नैनो सिम के साथ में एक मेमोरी कार्ड आप लगा सकते हैं एंड मेमोरी कार्ड घुसेड़ के अपने फोन को हार्ड डिस्क बना सकते हैं। अब अगर डिफरेंसेस की बात करें या IQOO Z5 Pro की बात करें कि IQOO Z5 Pro जो है वो IQOO Z5 से कितना डिफरेंट होने वाला है, तो बिल्ड क्वालिटी में डेफिनेटली आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है। IQOO Z5 Pro के साथ में आपको फुल ग्लास बिल्ड मिल सकता है, ग्लास फ्रंट, ग्लास बैक, बैक में आपको एंटी ग्लेयर मैट ग्लास मिल सकता है, फ्रंट में शॉर्ट सेंसेशन वाला ग्लास मिल सकता है। सो यस, बिल्ड क्वालिटी में आपको हल्का फुल्का डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है। डिस्प्ले में जैसे मैंने आपको बोला, IQOO Z5 में IPS का पैनल है, Z5 Pro में आपको AMOLED का पैनल मिल सकता है, सो यहां पर आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है। कैमरा में आपको छोटा मोटा डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है, प्रोबेबली सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का यहां पर मिल सकता है एंड बस और कुछ नहीं, बस इतने डिफरेंसेस शायद यहां पर आपको दोनों फोन्स के बीच में देखने के लिए मिल सकते हैं। प्राइस पॉइंट की अगर बात करें तो IQOO Z5 25000 के नीचे और IQOO Z5 Pro 25000 के ऊपर बेस वेरिएंट के साथ में इंडिया में लॉन्च हो सकता है। IQOO Z5 से ज्यादा उम्मीद है मेरे को, काफी अग्रेसिव प्राइस पॉइंट पर आ सकता है क्योंकि IQOO Z3 भी काफी अग्रेसिव प्राइस पॉइंट पर आया था। सो यस, IQOO Z5 आपको काफी अच्छे प्राइस पॉइंट पर इंडिया में देखने के लिए मिल सकता है। IQOO Z5 Pro भी अगर 25000 के ऊपर भी आता है तो भी वो अच्छा प्राइस पॉइंट रहेगा, उसके ऊपर नहीं जाने वाला है भाई क्योंकि उसके ऊपर आपको IQOO मिल जाता है। तो डेफिनेटली IQOO Z5 Pro आपको 25 से 28000 के बीच में देखने के लिए मिलेगा। आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि दोनों में से कौन से स्मार्टफोन के लिए आप ज्यादा एक्साइटेड हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर दो ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।